हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम। माई सेल्फ गजेंद्र सिंह सोलंकी, रिप्रेजेंटिंग शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा। टूडे वी विल स्टार्ट द चैप्टर 11, परसेंटेज ऑफ क्लास 5th। ओपन पेज नंबर 141। वी आर गोइंग टू कवर दीज टॉपिक्स। फर्स्ट परसेंटेज, सेकेंड कन्वर्टिंग परसेंटेज टू फ्रैक्शन, थर्ड कन्वर्टिंग परसेंटेज टू डेसिमल, फोर्थ कन्वर्टिंग फ्रैक्शन टू परसेंटेज, फिफ्थ कन्वर्टिंग डेसिमल टू परसेंटेज, सिक्स परसेंटेज ऑफ अ नंबर और अ क्वांटिटी, एंड द लास्ट इज वर्ड प्रॉब्लम। सो लेट बी स्टार्ट द व्हाट इज द परसेंटेज। सो मीनिंग ऑफ परसेंटेज इज पर सेंट। पर सेंट इज द मीनिंग ऑफ 100, पर 100, करेक्ट। सो परसेंटेज इज अ मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100। द सिंबल ऑफ परसेंटेज इज परसेंट, दैट इज 50% मीन्स 50 पर 100। सो वी कैन से परसेंट मीन्स पर 100। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम 50% को हम कैसे लिख सकते हैं, 50 पर 100। सो द मीनिंग ऑफ परसेंट, परसेंट मीन्स इज पर 100, करेक्ट। सो दिस इज द परसेंटेज। सो द स्टूडेंट्स, 50% मीन 50 पर 100, करेक्ट। यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, 50% को क्या लिख सकते हैं, 50 पर 100। या फिर हम इसको एक्चुअल यूज अगर हम बात करें इसके सैम्पल्स के अकॉर्डिंग, दिस इज द साइन ऑफ परसेंटेज, करेक्ट। सो मीनिंग ऑफ परसेंट, पर सेंट, इसका मतलब परसेंट का मीनिंग क्या होगा, सेंट मतलब क्या होगा यहां पर 100। सो पर 100, करेक्ट। सो परसेंट का मीनिंग क्या होगा यहां पर 100, ओके। नाउ लेट बी डिस्कस अबाउट द कन्वर्टिंग परसेंटेज टू फ्रैक्शन। To convert percentage to fraction, remove the percentage sign and multiply the number of the percentage by 1/100 and reduce the fraction if needed. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें किसको convert करना है, percentage को, किस में, fraction में convert करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, sign को remove करेंगे, percentage sign को, then उसके बाद हम multiply करेंगे जो हमें number given होगा. So let me discuss the example. Convert 29% to fraction. So here they given 29% and convert to fraction. So 29%, so firstly remove the percentage sign and multiply by 1/100. So 29 into 1/100 is equals to 29/100. So this is the fraction form. Now we convert 29% to fraction, correct. जो 29% है उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिमूव द परसेंटेज साइन। सो 29% इक्वल्स टू 29 एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1/100 एंड मल्टीप्लाई बाय 1/100। सो रिजल्ट इज 29 into 1, 29 upon, डिनोमिनेटर में कितना है 100, सो रिजल्ट इज 29/100। सो दिस इज द फॉर्म ऑफ कन्वर्टिंग परसेंटेज टू फ्रैक्शन, 85% टू फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहां पर, कन्वर्ट 85% टू फ्रैक्शन। सो हियर 85%, रिमूव द फर्स्ट साइन ऑफ द परसेंटेज, सो 85 एंड मल्टीप्लाई 1/100। सो 85 into 1, this is the 85 and upon 100, correct. Now let me discuss about the converting percentage to decimal. Is bar hum kisko percentage convert karenge, converting percentage to decimal. To convert percentage to decimal, remove the percentage sign and divide the number by 100 or multiply by 1/100. So firstly remove the percentage sign and after divide the number by 100
or multiply by 1/100. So example is convert 47% to decimal. 47% को किस में convert करेंगे हम लोग? Decimal में. So firstly remove the percentage sign and then after divide the number by 100. Here 47%. Firstly remove the percentage sign and divide the 100. Correct? So here 47/100. So result is 0.47 and this is the answer. Why? Because यहां पर हमें क्या दे रखा है, यहां पर denominator में क्या है, 100 है. So decimal places कितना आएगा left after 2-digit number. So here the 2-digit number is 4 and 7. So decimal is 0.47 and this is the answer. Now converting fraction to percentage. इस बार हम किस में convert करेंगे? Converting fraction to percentage. Fraction से percentage में हम लोग क्या करेंगे? Convert करेंगे. To convert a fraction to percentage, divide the numerator of the fraction. Numerator को किस से डिवाइड करना है? Fraction से. And by its denominator. The multiply the result by 100 and put the percentage sign. So firstly हम क्या करेंगे? Divide the numerator by the of the fraction by its denominator. Correct? And then multiply the result by 100 and put the percentage sign. So now let me discuss the example. Convert 3/5 to percentage. So this is the form of the fraction. Now convert to percentage. So first step, divide 3/5. This is the numerator and this is the denominator. So firstly numerator divided by the denominator. So here the denominator is 5 and numerator is 5. So 3 ko hum kisse divide karenge? 5 se. So result kitna milega hume? 0.6. And step 2, firstly jo hume result mila hai, then multiply the result by 100. And 0.6 ko hum kisse multiply karenge? 100 se. So kitna milega hume result? 60. And then put the percentage sign after the 60. So result is 60%. Convert 3/5 to percentage. Correct? इसका मतलब 3 को हमें किसमें convert कर, 3/5 को किसमें convert करना है? Percentage में. तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि 3 को किससे divide करना है हमें? 5 से. Correct? So 3 divided by 5 equals to here 3 and 5. Correct? So 3 is a dividend and 5 is a divisor. So 3 is a smaller number and 5 is a greater number. So yahan par hum kya karenge? 3 5 se divide nahi hoga. So 5 ki minimum value kitni hoti hai? 5. Correct? So here 0. 5 into 0 kitna hoga? 0. 3 mein se 0 ko subtract karenge to value kitni aayegi hamare paas yahan par? 3. Correct? Again 3 is a smaller number, so used to decimal in quotient. Put the quotient in decimal and also in dividend, because 3.0 is equals to value is also 3. 3.00 again value is 3. So does not change any value. Correct? So 8 to 0 here and is also correct. So 5 ki table mein 30 kitni bar aayega yahan par? 6 time, because 30 is a greater number and 5 is a smaller number. So 30 is a greater number, to 30 5 ki table mein kitni bar aayega? 6 time. So 6 5 is a 30. 30 में से हम 30 को subtract करेंगे तो remainder is 0. Correct? So the result is 0.6. After according to the definition we multiply the result. So 0.6 multiply by 100. Correct? तो 100 से multiply करेंगे तो क्या होगा? जो हमारा decimal है वो कहां पर shift होगा? Right hand side की तरफ. कितना होगा? 2 places तक. Correct? Because यहाँ पर कितना है, किससे multiply कर रहे हैं? 100 से. और अगर हम 10 से multiply करते हैं तो decimal कहाँ पर shift होता? 1-digit place पर, for right side. Correct? So 60. Correct students? Now put the sign. 60 and put the sign. So this is the answer. Correct? Now similarly convert 7/8 to percentage. Firstly 7 divided by 8. So got the result is 0.875 and after we
got the result 875 multiply by 100. So 0.875 multiply by 100. So decimal kahan shift hoga? After 2 digit. Correct? So result is 87.5. And put the sign of the percentage. So 87.5. This is the percentage. Correct? Now, let me discuss about the converting decimal to percentage. Converting decimal to percentage. To convert decimal to percentage, to change the decimal into fraction, then multiply it by 100 and put the percentage sign. Sabse pehle hum kya karenge? Decimal ko kis mein convert karna hai? Percentage mein. So the decimal, change the decimal into fraction. Sabse pehle decimal ko kis mein convert karenge? Fraction mein. Then multiply it by 100. Aur kis se multiply karenge? 100 se. And put the percentage sign. Correct? This is the form of the decimal. Ye kiski form mein yahan par? Decimal ki form mein. तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर हम बात करें तो सबसे पहले डेसिमल की फॉर्म को किस में कन्वर्ट करेंगे? फ्रैक्शन में. करेक्ट. तो यहाँ पर डेसिमल किस आप किसके बाद लगा हुआ है? यहाँ पर टू डिजिट्स के यहाँ पर. तो हम अगर डेसिमल हटाएंगे तो इसको क्या लिखेंगे? 64/100. करेक्ट. और अगर यहाँ पर थ्री नंबर्स हो गए, थ्री डिजिट्स नंबर होते तो यहाँ पर कितना आ जाता? 1000. करेक्ट. अगर यहाँ पर 0.6 होता तो हम क्या लिखते हैं? 6/10. बिकॉज यहाँ पर क्या है? डेसिमल किसके बाद है? यहाँ पर सिंगल. डिनोमिनेटर में कितना आएगा? 10. 65/100. करेक्ट. क्लियर. नाउ सो फर्स्टली वी कन्वर्ट डेसिमल इनटू द फ्रैक्शन, देन वी मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 100. सो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? आफ्टर 100 से. करेक्ट. एंड कैंसिल द टर्म्स 100 से. 100 को कैंसिल कर दिया तो कितना मिला हम लोगों को? 64. And put the sign of the percentage, and this is the answer. Now let me discuss another example. Convert 0.292%. Clear, student? Here the given decimal number is 0.29. So here 0.29. Firstly, this decimal form is convert into the fraction form, and then after multiply by the 100. So here they given the decimal after the two digit. So put the denominator in 100 value. So 29/100. This is the fraction form, and then multiply by the 100. Clear? Now simplify this value. 100 से 100 कितनी बार कटेगा? One time कटेगा. तो value कितनी आएगी अपने पास? 29. And put the percentage sign. And this is the answer. So this is the value of the convert to decimal into the percentage. Now let's start exercise 11.1 and discuss about the question number 3 and 4. Convert the following percentage to fraction. Firstly, we consider percentage to fraction. सबसे पहले हम percentage को किस में convert कर रहे हैं? Fraction में. So here they given that 3%. So firstly remove the percentage sign and multiply by 1/100. Correct. So 3 into 1, 3/100. So this is the percentage to fraction, and this is the answer. Correct. Now let me discuss the another example. 79%. So first remove the percentage sign and multiply 1/100. So result is 79 into 1. It is a 79 and upon 100. So this is the fraction and this is the percentage. So percentage convert to fraction. Now this is answer. Now converting the following percentage to decimal. अब हम किस में convert कर रहे हैं? Percentage को decimal में. This is the question of question number 4. So here the given percentage 7. So firstly remove the percentage sign and multiply or divide it by 100. या तो हम क्या करें? Multiply करें किससे? 1/100 से. या फिर हम क्या करें? Divide करें किससे? 100 से. So 7 into 1 is 7/100. Correct. Now convert to decimal. यहाँ पर आपको क्या given दिया हुआ है? यहाँ पर denominator में 100. So use to percentage decimal point 0.07, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास कितना है? 100 है. तो हम क्या करेंगे?
यूनिट एंड टेंथ डिजिट के बाद क्या लगाएंगे यहाँ पर, डेसिमल यूज करेंगे, तो यूज कितना आएगा यहाँ पर 0.07, करेक्ट, दिस इज द आंसर. सो दिस इज द फॉर्म ऑफ डेसिमल. नाउ लेट मी डिस्कस द अनदर एग्जाम्पल, 51%. सो फर्स्टली रिमूव द परसेंटेज साइन एंड मल्टीप्लाई बाय 1/100, करेक्ट. सो 51 × 1, दिस इज द 51 एंड अपॉन 100, सो रिजल्ट इज 0.51 एंड दिस इज द आंसर. नाउ लेट मी डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 5 and 6. सो फर्स्टली इज कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू परसेंटेज. सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करेंगे, परसेंटेज में. तो फर्स्टली 2/20 मल्टीप्लाई बाय 100, करेक्ट. नाउ 2/20 मल्टीप्लाई बाय 100, सो सिंप्लीफाई विद दिस वैल्यू, 0 से 0 कैंसिल हो गया यहाँ पर, 2 × 1 = 2 and 2 × 2, सो रिजल्ट इज 10 एंड पुट द परसेंटेज साइन एंड दिस इज द आंसर. नाउ वी कन्वर्ट 55/80 इन टू द परसेंटेज. सो फर्स्टली 55/80 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड सिंप्लीफाई दिस वैल्यू, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग कितना बचा यहाँ पर, 55 × 10/8, तो रिजल्ट कितना मिला हमें, 55/8. नाउ 55/0 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है, 550 को हम किससे डिवाइड करेंगे यहाँ पर, 8 से डिवाइड करेंगे, तो 550 / 8, 8 की टेबल में हम लोग 5 तो आएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, 2 नंबर्स एक्सेस कंसीडर करेंगे, 55, तो कितना होगा, 8 × 6 = 48, करेक्ट. 55 में से 48 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमेनिंग कितना बचेगा हमारे पास यहाँ पर, 7, करेक्ट, एंड कैरी द 0, करेक्ट. 8 × 8 = 64, सब्ट्रैक्ट करेंगे 70 में से 64, तो रिमेनिंग कितना बचेगा हमारे पास, 6, एंड यूज टू डेसिमल, बिकॉज 6 इज अ स्मॉलर नंबर एंड 8 इज अ ग्रेटर नंबर, सो यूज टू डेसिमल इन क्वोशेंट एंड 8 द 0, करेक्ट. सो हियर द वैल्यू इज 60, 60 इज द लार्जर नंबर टू 8, सो 8 × 4 = कितना होगा यहाँ पर, कितना होगा, 8 × 4 = कितना, 32, 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48, 8 × 7 = कितना होगा, कौन बताएगा, 56, करेक्ट. सो वैल्यू इज 56, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू कितनी बचेगी हमारे पास, 4, अगेन पुट द 0, बिकॉज हम डेसिमल एक बार यूज़ कर चुके हैं तो बार बार यूज़ नहीं करेंगे, और 8 की टेबल में 40 कितनी बार आएगा, 8 × 4 = 32 और 8 × 5 = 40, तो रिमाइंडर इज 0, तो आंसर इज 68.75 एंड पुट द परसेंटेज साइन एंड दिस इज द आंसर. नाउ लेट मी डिस्कस द डेसिमल टू परसेंटेज. सो कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल टू परसेंटेज. इस बार हमारे पास फॉर्म कौन सी यहाँ पर, डेसिमल की फॉर्म है, और उसको किस में कन्वर्ट करेंगे हम यहाँ पर, परसेंटेज की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. सो फर्स्टली डेसिमल से हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. तो यहाँ पर जो हमारे पास गिवन है डेसिमल जो गिवन है, उसके बाद हमारे पास 3 digits नंबर है, तो डेसिमल हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में कितने जीरोज आएंगे यहाँ पर, 3 0, तो उसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 1000, करेक्ट. सो फर्स्टली डेसिमल से हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, फ्रैक्शन में. नाउ मल्टीप्लाई बाय 100, करेक्ट, क्यों, क्योंकि हम डेसिमल से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, सो मल्टीप्लाई बाय 100. नाउ सॉल्व दिस सिचुएशन, 20 से हमने क्या किया, 20 को कैंसिल किया, रिमेनिंग कितना बचा हमारे पास, 3062/10, तो रिजल्ट कितना मिलेगा हमें यहाँ पर, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिवाइड किससे हो रहा है, 10 से हो रहा है, तो यूनिट प्लेस पे कितना डेसिमल आएगा आफ्टर 1 digit, सो 306.2 एंड यूज टू परसेंटेज साइन, सो दिस इज द आंसर. नाउ लेट मी डिस्कस अबाउट द परसेंटेज ऑफ अ नंबर और अ क्वांटिटी. सो टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ अ नंबर और अ क्वांटिटी, वी चेंज द परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन एंड ऑफ टू द साइन और मल्टीप्लीकेशन. इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले हम परसेंटेज को किस में चेंज करेंगे यहाँ पर, इनटू द फ्रैक्शन. सो ऑफ का जो साइन है उसको हटा के हम लोग यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, साइन मल्टीप्लीकेशन का, करेक्ट. एग्जाम्पल हम लोग यहाँ कंसिडर कर रहे हैं, लेट बी एग्जाम्पल, फाइंड 15% ऑफ 70.
सो 50% ऑफ 70 इक्वल्स टू 50% का साइन हटाएंगे तो अपन में क्या लेंगे हम यहाँ पर 100, और ऑफ के साइन की जगह क्या यूज करेंगे हम मल्टीप्लीकेशन, करेक्ट. सो 15 अपॉन 100 इंटू 70. सो 0 से 0 सिंप्लीफाई करेंगे, 15 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमें 105 अपॉन में क्या रहेगा 10. सो रिजल्ट इज 10.5. सो दिस इज द आंसर. नाउ लेट बी डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. फाइंड द वैल्यू ऑफ 73% ऑफ 204, करेक्ट. सो सबसे पहले हमें क्या करना है, 73% ऑफ 204 जो दे रखा है तो 73% को हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, 73% का साइन हटाएंगे तो अपन में क्या लिखेंगे यहाँ पर 100, एंड ऑफ की जगह किसका साइन यूज करेंगे मल्टीप्लीकेशन का, एंड मल्टीप्लाई बाय 204, करेक्ट. सो फर्स्ट 204 मल्टीप्लाई बाय 73 एंड डिवाइड बाय 100, करेक्ट. सो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 204 को 73 से तो कितना आएगा 3 4 12, तो यहाँ पर भी कितना 1 बचेगा तो कितना आएगा टोटल 12, एंड 3 2 कितना आएगा 6. 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 7 4 28, तो यहाँ पर 28 आएगा तो कितना लिखेंगे इसको 28, एंड 7 2 14, करेक्ट. ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 2, 8 प्लस 1 कितना होगा यहाँ पर 9, 6 प्लस 2 कितना होगा 8, 4 एंड 1, तो रिजल्ट इज 14892 डिवाइडेड बाय 100, करेक्ट. सो अब यहाँ पर कितना है डेसिमल प्लेसेस कितने छोड़ के लगाएंगे हम लोग, अगर डेसिमल लगाएंगे तो डिवाइड में कितना है 100, तो रिजल्ट इज 148.92 एंड दिस इज द आंसर, करेक्ट. नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ 92% ऑफ रुपीज 2540. सो फर्स्टली 92% कन्वर्ट इन अ फ्रैक्शन फॉर्म, सो रिमूव द परसेंटेज साइन एंड डिवाइड बाय 100, एंड देन आफ्टर यूज टू मल्टीप्लीकेशन साइन एंड मल्टीप्लाई बाय 2540. सो फर्स्टली 92 मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर जो परसेंटेज का साइन है इसको रिमूव करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर अपॉन 100 एंड मल्टीप्लाई बाय 2540. सिंप्लीफाई दिस वैल्यू, 0 से 0 सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पर तो रिमेनिंग कितना बचेगा 92 × 5 = 254 अपॉन में कितना आएगा यहाँ पर 10. मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर 254 को 92 से, 4 2 8, 5 2 10, रिमेनिंग 1, 2 2 4, 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, 9 4 कितना होगा 36, रिमेनिंग कितना बचेगा 3, 9 5 कितना होगा 45, 45 प्लस 3 कितना होगा 48, रिमेनिंग 4, 9 2 18, 18 प्लस 4 कितना हो गया 22. सो ओवरऑल रिजल्ट कितना मिलेगा 8 6, 8 प्लस 5 13 प्लस 1 2 प्लस 1 कितना होगा 3 एंड 2, 23,368 अपॉन 10, तो रिजल्ट कितना मिला हम लोगों को यहाँ पर रुपीस 23,366.8 एंड दिस इज द आंसर. नाउ टू एक्सप्रेस अ नंबर एज परसेंटेज ऑफ अनदर नंबर डिवाइड द गिवन नंबर बाय द टोटल नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 100. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर, जो हमें नंबर गिवन होगा उसको हम किससे डिवाइड करेंगे टोटल नंबर से, एंड देन उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे किसको बाय 100 से जो हमें रिजल्ट मिलेगा, करेक्ट. सो लेट मी डिस्कस द एग्जांपल. इफ 16 आउट ऑफ 80 ऑरेंजेस आर स्पॉइल्ड, व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑरेंजेस आर स्पॉइल्ड. सो फर्स्ट इज टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस इक्वल्स टू 80. यहाँ पर हमें टोटल ऑरेंजेस कितने दे रखे हैं यहाँ पर 80, एंड द परसेंटेज ऑफ स्पॉइल्ड ऑरेंजेस 16 आउट ऑफ 80. सो 16 इज अ गिवन नंबर डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर एंड मल्टीप्लाई बाय द 100. सो रिजल्ट इज 20 एंड पुट द परसेंटेज साइन. सो 20% ऑरेंजेस आर स्पॉइल्ड, सो टोटल नंबर ऑफ 80 ऑरेंजेस, करेक्ट. नाउ लेट मी डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 4. देर आर 45 स्टूडेंट्स इन अ क्लास आउट ऑफ
which 28 are boys. What percentage of girls are there in the class? तो हमें क्या बताना है, what percentage of the girls? Correct? So, total number of student is equals to 45, number of boys 28, so number of girls 45 minus 28. Total number of students में से number of boys को minus करेंगे तो remaining क्या जाएगा, number of girls is equals to 17. Correct? 45 में से हम 28 को subtract कर रहे हैं तो 5 में से 8 नहीं होगा, तो 15, एक इधर से borrow लेंगे तो 15 में से 8 जाएगा, तो कितना बचेगा 7. Here remaining the 3. 3 में से 2 को subtract करेंगे तो value कितनी आएगी, यहाँ पर 1 आएगी. Correct? So result is 17. Correct? So percentage of girls equals to the given number is number of girls 17 upon total number of students 45 multiplied by 100. Correct? 17 upon 45 multiplied by 100. Simplify करेंगे, 5 9 is 45 and 5 20 100. Correct? 5 2 are 10 and 0. So value is 17 into 20 upon 9. The result is 340 upon 9. Correct? 17 को 20 से multiply करेंगे तो result कितना मिलेगा, 340 upon 9. Now 340 divided by 9. 340 को हम 9 से divide कर रहे हैं तो value कितनी आएगी, 9 3 is 27. Correct? 34 में से 27 minus करेंगे तो remaining कितना आएगा, यहाँ पर 7. Correct? 14 में से 7 जाएगा तो 7, यहाँ 2 बचेगा, 2 में से 2 को subtract करेंगे तो value कितनी आएगी, 0. Correct? Carry 0. Again the value is 70. So 9 की table से कितनी time जाएगा, 7 time. 9 7 is 63. 70 में से 63 minus करेंगे तो result कितना बचेगा, 7. Correct? Now 7 is a smaller number and 9 is a greater number. So use to decimal in quotient and 8 to 0 in remainder. So here the value is 70. Again 9 की table में 17 से value कितनी आएगी, 7 time. तो result कितना मिलेगा, 63. 9 7 is 63. Minus करेंगे तो value कितनी आ जाएगी, again 7. Correct? So the answer is 37.7%. Correct? So percentage of girls 37.7%, and this is the answer. Okay student, you have understood this chapter, and thank you.